पहली बार नहीं, तीसरी बार है। गुड़िया द्वारा मौत। लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। उड़ू डॉल द्वारा, गुड़ियों द्वारा भविष्यवाण। मिस्टर खैरखानेस के सर पर बॉल लगेगी और उनकी मौत होगी। 3 दिन बाद बॉल लगी और मौत हुई। मिस्टर विनोद को सांप काटेगा, सांप काटा। और मिसेस खोसला को दिल का दौरा पड़ेगा, बॉक्स खोला और द एंड। इस केस का जो आधार बनाया है इन्होंने, वो केवल ये वुडू शुडू काला जादू अंधविश्वास है योर ऑनर, अंधविश्वास। सर मेरे नाम का पार्सल है, इसमें वुडू डॉल है। अरे हांगकांग क्या, अब तो अमेरिका तक हमारे पुतले जाते हैं। हेलो हेलो मुकाबो। हाँ सर, क्या आपको भी वुडू का पुतला चाहिए क्या? अरे वो वुडू का पुतला मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, क्या तुमने मुझे भेजा है वो? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों भला आपको पुतला भेजूंगा। देखिए हो सकता है वो जो पहले 3 पुतले भेजे थे ना, उसी ने कुछ किया। आप घबराइए मत, एक काम करिए, तीनों को उठा के फेंक दीजिए, सब नकली वुडू के पुतले हैं। क्या? फेंक दीजिए सबको। नकली पुतला मुझे किसने भेजा है? और क्यों, ये हो क्या रहा है? देखा है मैंने तुम अदालत में। जी बाबा। बाबा मुझे एक वुडू का पुतला बनवाना था, बट ये बात किसी को पता ना चले। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा आपको, बस ये वुडू काम करना चाहिए। ये तो काम करेगा, लेकिन तुझे पता है ना इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? मुझे पता है बाबा, और वो मैं अपने साथ ही लाया हूँ बाबा। इसकी होती है। समझ ले बच्चा, तेरा काम हो गया। जय हो बाबा की। मिस्टर जायसवाल, आपको याद होगा पिछली अदालत में मैंने आपसे कहा था कि ये अदालत मिस्टर मुगाबो के खिलाफ केस में वजन तभी डालेगी जब आप काला जादू और वुडू से हटकर कोई प्रैक्टिकल आरोप उन पर लगाएंगे। यस सर। तो इस बार आपके पास कोई ठोस सबूत है उनके खिलाफ? है सर, है सबूत है मेरे पास योर ऑनर, इंटरनेशनल सबूत है। योर ऑनर, मैंने इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी केसेस मिले ये ब्लैक मैजिक वुडू वगैरह के, लेकिन ये एक केस काफ़ी दिलचस्प है और इस ये जो केस है अपने इस केस से काफ़ी मिलता जुलता है। योर ऑनर, इन द ईयर 2009 USA के मिशिगन स्टेट में एक व्यक्ति मिस्टर टेड जोन्स ने हैती अफ्रीका से एक विच डॉक्टर यानी कि काला जादू करने वाले एक जादूगर को बुलाया और उनके पड़ोसी टेड जोन्स के पड़ोसी मिस्टर डॉक्टर स्टीवंस पर ये काला जादू किया, भी ब्लैक मैजिक किया, उसका असर भी हुआ और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। योर ऑनर, इस केस की सुनवाई भी हुई, फैसला भी हुआ और आज मिस्टर टेड जोन्स जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मेरा ये कहना है योर ऑनर कि अगर अमेरिका जैसे फॉरवर्ड ब्रॉड माइंडेड देश में भी अगर वुडू ब्लैक मैजिक को माना जाता है तो यहाँ पे क्यों नहीं? यानी घूम फिर कर आपकी गाड़ी फिर वही वुडू पर ही अटक गई। एक मिनट मिस्टर जायसवाल,
योर ऑनर, जिस केस की बात मिस्टर जायसवाल कर रहे हैं, इस केस के बारे में मैंने भी पढ़ा है, और ये रहे उस केस के कुछ तथ्य। मिस्टर टेड जोन्स ने अपने अफ्रीकी काले जादूगर के साथ मिलकर डॉक्टर स्टीवंस पर वूडू करने का प्रयास किया था, किंतु डॉक्टर स्टीवंस की मृत्यु वूडू के कारण नहीं, योर ऑनर। उन्हें एक कक्ष में बंदी बनाकर रखने के कारण उन्हें उल्टा लटकाकर उनके चेहरे पर पीसे हुए काली मिर्च का धुआं छोड़ने के कारण हुई है, योर ऑनर। और टेड जोन्स को वूडू करने के लिए नहीं, योर ऑनर, वुडू के नाम के पीछे ये हत्या करने की सजा दी गई थी। शुड चेक योर फैक्ट्स, कंटिन्यू प्लीज। सर, कुछ और फैक्ट्स मैं दिखाना चाहता हूँ योर ऑनर। ये कुछ वुडू और ब्लैक मैजिक पर लाइट रीडिंग किताबें हैं, जिनमें साफ लिखा है कि वुडू का उपयोग किया जाता है और उनसे हत्याएं भी होती है। योर ऑनर, मैं ये सॉरी योर ऑनर, मैं ये किताबें अगर आप पढ़ लें योर ऑनर, तो आप भी मान लेंगे योर ऑनर कि वुडू ब्लैक मैजिक होता है और हत्या भी होती है, योर ऑनर। मिस्टर जायसवाल, मेरी राय को आप ये किताबें पढ़वाकर बदल सकते हैं, पर क्या संविधान को आप ये किताबें पढ़वाकर बदल सकते हैं? योर ऑनर, बट फिर कानून और संविधान के दायरे में रहकर ये केस लड़िए, वरना मुझे अभी इस केस को रद्द करना होगा। ऑलराइट योर ऑनर, सॉरी, मैं योर ऑनर, मैं संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही अब इस केस को लड़ूंगा, आई प्रॉमिस। और मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूं जो वुडू का शिकार हुआ है, पाठक साहब का सहायक वरुण। मिस्टर वरुण, क्या आप मानते हैं कि आपके पास भी वुडू का पुतला भेजा गया था? जी हाँ। ये आप ही हैं? सॉरी, ये आपकी डॉल है? जी। और क्या आपको ये पता है कि ये डॉल मुगैबो जी ने ही बनवाई है? हाँ, ये सही है, ये सही है सर कि ये गुड़िया मैंने बनाई है, लेकिन फिर वही बात, मैंने किसी को भेजा नहीं, ये किसी ने मुझसे चुरा कर या मुझसे खरीद कर इसका उपयोग किया है। योर ऑनर, ये किसी का परिहास है, किसी ने भद्दा मजाक किया है और कुछ। पाठक साहब, अगर मजाक होता तो मजाक खत्म होने के बाद तो वरुण के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए थी, डर क्यों है उसके चेहरे पर? बताइए ना वरुण जी, क्या आप इस वुडू में मानते हैं? देखिए, आप अदालत में खड़े हैं, पाठक साहब के सहायक हैं, झूठ नहीं बोल सकते। क्या आप वुडू, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र वगैरह में मानते हैं? हाँ हाँ ना? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है इस केस को? हाँ, वो बात भी सही है, आपके मानने ना मानने से इस केस को क्या फर्क पड़ता है? रुके! ये क्या कर रहे हो? अरे, इसका हाथ मत जोड़िए वरना वरना क्या तुम्हारा हाथ टूट जाएगा? चलो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो पैटिक साहब, सहायक वरुण भी अब तो वुडू में मानता है, ये साबित कर दिया मैंने, अब क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? चलिए, मेरा सहायक वुडू में मानता है, आप वुडू में मानते हो, तो भूषण के लिए मैं भी मान जाता हूँ वुडू में, जज साहब भी मान जाते हैं। क्या प्राप्त होगा इससे आपको? आप इंडियन पीनल कोड की नई धारा बनवाएंगे, IPC सेक्शन 666 फॉर ब्लैक मैजिक, जिसके तहत आप मेरे मुवक्किल मुगैबो को दंड दिलवाएंगे। फिर क्या होगा? प्रायःकाल इस कटघरे में एक व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, तांत्रिक, राक्षस, चुड़ैल, विषकन्या इत्यादि इत्यादि, जादू टोना टोटका, अंधविश्वास का एक ऐसा द्वार खोलेंगे आप जो बंद नहीं कर पाएंगे आप। पाठक साहब, कल की कल सोचेंगे, आज की सोचेंगे अपने मुवक्किल को कैसे बचाएंगे। मिस्टर जायसवाल, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। मैंने आपको मौका दिया, पर आप अभी भी वुडू और अंधविश्वास में अड़े हुए हैं, इसलिए इस अदालत का वक्त जाया किए बिना मैं इस केस को यहीं बंद करना चाहूंगा। लेकिन योर ऑनर, मेरे पास और भी। अदालत वुडू और काला जादू पर आधारित प्रोसिक्यूशन की इन दलीलों को बेबुनियाद मानते हुए मिस्टर बगाबो को निर्दोष मानती है और इसे
बाइज्जत इस केस से बरी कर दी है। The case is closed. Sir, please give me one. I said the case is closed. वो मुझे मार डालेगा कैदी साहब, वो मुझे मार डालेगा। बाबू बताइए मुझे, बताइए मुझे कैदी साहब कौन मार डालेगा? वो कौन? मिस्टर पाठक प्लीज समझाइए ही नहीं। उसके हाथ में मेरा वूडू है कैदी साहब, वो मुझे वूडू से मार डालेगा कैदी साहब, वो मार डालेगा मुझे, वो मार डालेगा मुझे। ऐसा होता नहीं। हाय बिली। हाँ मम्मू जम्बो। हेलो आप कौन? यहाँ कैसे? सर ये वही तांत्रिक है जिसे मैंने बचपन में देखा था। सर मैंने आपको बताया था ना, ये वही है। वरुण रिलैक्स। लगता है हमसे पहले हमारा परिचय यहाँ पहुंच गया है। ए बच्चा कोलकाता तू वही है ना? हाँ। आप वो समझ गया मैं, मोगैबो के गुरु हैं। उस पाखंडी का गुरु, उस नमक आराम का गुरु हो नहीं सकता। उसका असली नाम मंगलू है, मोगैबो नहीं। वो मेरा सेवक था, नौकर था। उसने मेरी तांत्रिक विद्याओं वुडू और काली शक्तियों की नकल की और झूठे सच्चे अपने धंधे शुरू कर दिए, गोरखपुर शुरू कर दिए। मतलब उसने आपसे विद्या नहीं सीखी? अरे विद्या सीखने का सवाल ही नहीं है, अज्ञान है, वो धोखेबाज है। ये सब देखने के लिए तो मैं कोलकाता से यहाँ पर आया हूँ, क्या उसे किए की सजा मिले। और बच्चा तूने तो उसको अदालत से रिहा करके बहुत बड़ी गलती की है। जी चाहता है तेरा पुतला बनाकर तेरी गर्दन को मैं। नॉट अ गुड आइडिया बाबा। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए ना। थोड़ा कुछ ठंडा पीजिए, अपना मस्तिष्क ठंडा रखिए। मिसेस बिलमोरिया, थोड़ा जलपान फॉर द बाबा। हाँ। मेरा मस्तिष्क तो तब ठंडा होगा जब वो पाखंडी मुगावो हमारे हाथ के पीछे होगा, और वो अवश्य होगा, शीघ्र होगा। उसने अपनी लालच के लिए मेरी शक्तियों का, मेरे वुडू तंत्र मंत्र का अपमान किया है, और अब यही कला उससे अपना बदला लेगी। से तो मुगाबो की गुड़िया है। मुझे पता था कि वो एक अनेक दिन मेरे पेट पर लात मारेगा। मेरे पास उसके बालों का गुच्छा था जो अब इस गुड़िया में है। उसकी जान मेरी मुट्ठी में, अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब अदालत में आज जो कुछ भी मुगाबो के साथ हो रहा था वो तुम कर रहे थे इस गुड़िया के द्वारा। वरुण विश्वास नहीं है बाबा। तो अब देखता जा बच्चा कि तेरा यह विश्वास कैसे विश्वास में बदलता है। अब हमारी मुलाकात अदालत में होगी, अदालत में। मुगाबो मुगाबो साला पाखंडी मुगाबो मुगाबो। वरुण। हाँ। बाबा गया, तू सांस ले सकता है, अभी हिल सकता है, आजा बैठ जा। नहीं सब, मैं नहीं बैठूंगा। हाँ, बाबा गया। हाँ बाबा गया, मुझे दे दो। व्हाट इज इट? जिंजर ब्रेड मैन। बाबा गया, जिंजर ब्रेड। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मिसेस पिलमोरिया? जब से मुगाबो नामक एक तांत्रिक के वुडू का केस हुआ है तब से पूरे देश में अचानक इस नए जादू टोने की लहर दौड़ गई है। वुडू, जी हाँ, आए दिन लोग अपने ही घरों के बाहर अपने ही बने पुतले पा रहे हैं जिन पर कहा जाता है कि जादू टोना हुआ है। क्या वुडू सच में होता है या नहीं, ये जानने के लिए देखिए आज रात 10 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम व्हाट टू डू व्हेन वुडू। वेरी सैड, न्यूज चैनल्स के पास कोई न्यूज ही नहीं है दिखाने के। तो था मार्केश,
जाने कहां से आ गया पूरा खेल बिगाड़ने के लिए। जय हो बाबा की। बैठ। ये ले, पकड़ अपनी गुड़िया, काम हो गया तेरा। ये गुड़िया काम करेगी ना बाबा? अरे पूरा काम करेगी, पर पैसे। चल जा, पैसे तो पूरे हैं ना? पूरे हैं बाबा, 10 पूरे हैं। चल जा। धन्यवाद बाबा। चलो। हेलो किरण, मैं मेघा बोल रही हूँ। मेघा कौन? मेरे बॉयफ्रेंड विनोद और तुम्हारे मामा की मौत का केस। ओ हाँ, हाय मेघा, कैसी हो? एक्चुअली मैं और मिस्टर आलोक तुमसे मिलना चाहते हैं आज अभी। तुम्हें तो पता होगा किरण, किस वुडू केस के कारण पूरी कंट्री में कितनी बीमारी फैल रही है। लोग एक दूसरे को वुडू डॉल्स भेज रहे हैं। अंधविश्वास की तो हद होती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमसे ही शुरू हुई थी ना, मेरे बॉयफ्रेंड विनोद से, तुम्हारे मामा से और आलोक की चाची से। और जिस मुगैबो का इन तीनों की मौत में सबसे बड़ा हाथ था, आज उसी मुगैबो को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। इंटरव्यूज, बुक्स, टॉक शोज और यहाँ तक कि गेम शोज वाले भी उसे बुला रहे हैं। और एक वो है कि किस बुडू की बीमारी को और भी फैला रहा है। मेगा एक संस्था की प्रेसिडेंट है जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ता है। यस, साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन। और ये चाहती है कि हम तीनों मिलकर मुगैबो के खिलाफ एक केस फाइल करें, ढोंग का, फ्रॉड का। वो हमारे लॉस को प्रॉफिट में नहीं बदल सकता और भोले भाले लोग को गुमराह नहीं कर सकता इस वुडू के चक्कर में। बोलो किरण, क्या तुम हमारे साथ हो? क्या कहा? क्या एक और केस? अब किस लिए? ओह, उसकी तो ठीक है, मैं आज ही जाके उससे मिलता हूं। लड़की, गलत आदमी से पंगा ले लिया। आदमी से पंगा ले लिया। मेघा जी, रस्सी। मेघा जी, अरे मैंने बिगाड़ा क्या है आपका? क्यों पीछे पड़ी हुई मेरे? देखिए, जब मर्डर केस से मैं रिहा हो गया तो आपका केस तो पिद्दी है, पिद्दी। इसलिए कहता हूं केस वापस ले लीजिए। हाँ, समझिए मेरी बात को। सुन रही हैं आप मेघा जी? मेघा, तुम यहां कैसे? मेघा को क्या हो गया? क्या किया तूने मेघा के साथ? इस बार कोई जादू नहीं, कोई टोना टोटका नहीं, सीधी सरल हत्या है। घूर क्या रहे हो? वो रस्सी जिससे उसका गला घोटकर मारा गया, वो रस्सी तुम्हारे हाथ में थी। वो रस्सी दरवाजे के सामने लगी हुई थी, मैं तो दरवाजा खोलने के लिए रस्सी हटाई। मुझे क्या पता था कि वो रस्सी मुझे फंसाने के लिए लगाई गई है। कौन मानेगा तुम्हारी ये बात अदालत में बिना किसी सबूत के? मैं भी मानने को तैयार नहीं। और तुम गए क्यों थे उसके घर? मुझे किरण ने फोन करके बुलाया था। उसने मुझसे बोला कि मेघा मेरे खिलाफ कोई आंदोलन शुरू कर रही है। किरण कौन? मिस्टर खरखनेस का भांजा? क्यों वो अचानक तुम्हारे संपर्क में कैसे आया? कोई बात नहीं, चुप रहो। जब अदालत में यही प्रश्न प्रोसिक्यूशन पूछेगा तब तुम्हारी चुप्पी और विचित्र लगेगी। चुप रहो। किरण ने मुझसे एक गुड़िया बनवाई थी वुडू के लिए। अच्छा, गुड़िया बनवाई थी इसकी? ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः।
ओम चामुंडाय नमः। महाराज आप यहाँ पधारे हमारे दफ्तर में, बड़ा ही आनंद था, परंतु अगली बार आइएगा तो अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। मनुष्य के कर्मों के फल कभी पूछ कर नहीं टपकते। क्या कहा था मैंने कि तूने मुगाबो को छुड़वाकर बहुत बड़ी गलती की थी, देखा, मार डाला ना किसी को। बाबा किसने किसको मारा ये तो समय ही बताएगा। जिस दिन मेघा जी की हत्या हुई आपकी क्या अवस्था थी, कहाँ थे आप? उस दिन मैं इस मुगाबो की गुड़िया के साथ दूसरी तरफ उड़ाऊ करा था। उड़ाओ उसकी गिरफ्तारी से। अच्छा, कहने का ये तात्पर्य है कि आपने इस पुतले को यूं हिलाया और वहां मुगाबो ने जाके मेघा जी को मार दिया। कुछ ऐसा ही है बच्चा। बाबा आप छोड़ो ना, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि ये वुडू शुडू किताबी बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तव में। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ इसी वक्त, लेकिन नहीं दूंगा। दूंगा अदालत में, और वो भी अकेला नहीं, तुम्हारी गुड़िया के साथ दूंगा, जिसमें तेरी जान अटकी हुई है। जान देख ले, देख ले। योर ऑनर मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुगाबो जी का। सो मच। कोई जादू तो है आप में, देखिए ना, आपके विरुद्ध केस लड़ रहा हूँ फिर भी मैं आपका फैन हो गया हूँ। थैंक यू सो मच, आपने एक मौका दे दिया। पिछली बार तो पाठक साहब ने ये वुडू एक अंधविश्वास है ये साबित करके आपको बचा लिया था, लेकिन इस बार पाठक साहब आप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि 10 मिनट में साबित कर दूंगा कि ये खूनी है, क्योंकि इस बार तो आपने मेघा जी का गला घोट कर रस्सी से खून किया है, रस्सी पर आपके उंगलियों के निशान भी है। अब क्या कहना है आपका? मैंने मेघा का खून नहीं किया है, मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि मेगा हाई प्रोफाइल केस करके आपके सुपर हिट धंधे पे ताला लगाने वाली थी, उससे पहले आपने उसका केस ही क्लोज कर दिया। कैसे किया योर ऑनर मैं बताता हूँ। गला घोट दिया इस रस्सी से, और इसी रस्सी पे इनके उंगलियों के निशान है। ए, ये मर्डर वेपन है योर ऑनर, और उससे पहले मेगा जी पे वुडू भी किया गया था। मिस्टर जायसवाल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ योर ऑनर। ये मेगा जी के घर से ये गुड़िया मिली है मेगा जी की, ये देखिए रस्सी का फंदा उसके गले में है, देख रहे हैं पाठक साहब आप? उड़ू तो किया और उसके बाद गला घोट कर उसकी हत्या भी की। रंगे हाथों पकड़े गए आपके मोकिल, उंगलियों के निशान है। तो गैबो जी आपने खून किया है? मैंने ये गुड़िया मेघा को दिया ही नहीं। अगर मैं साबित कर दूं तो? यस सर, जब मैं मेघा के घर पहुंचा तो मैंने मुकाबो को वहां से भागते हुए रोका। सर ये रस्सी भी उसी के हाथ में थी, अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो ये तो बच निकलता। बच कर निकल जाता लेकिन पकड़ा गया। जसवाल साहब। जी जी। ये उड़ू शुडू में मैं विश्वास नहीं करता, वरना मन तो करता है कि आपका भी एक पुतला बनवा लूं। उसे बैठिए ना। किरण भाई, अब मेघा जी के घर कर क्या रहे थे, क्यों गए थे वहां? सर मैं आलोक और मेघा तीनों मुकाबों के खिलाफ केस फाइल कर रहे थे। वही केस जिसकी जानकारी आपने स्वयं फोन करके मुगाबो को दी थी, और मेघा जी के साथ बातचीत करने के बहाने, वार्तालाप करने के बहाने इन्हें वहां बुलाया था। सर वो ये क्या, वो क्या, वो क्या करता है? बोला हा? हा? बोल। तू मेरे वुडू के खिलाफ केस करने वाला, तू खुद मेरे वुडू में विश्वास करता है? ये बात तो सत्य है इनकी कि आप वुडू में विश्वास करते हैं, क्योंकि एक पुतला मिला है मुझे। पूछिए कहाँ से? आप ही के घर से। अब आप इस बात का विरोध कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं पुतला, देखिए, और इस पर आपकी उंगलियों के निशान भी हैं, आप ही के घर से बरामद हुआ है। अभी भी आप नहीं मानते हैं तो फोरेंसिक जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसका चेहरा देखकर लगता है ये या तो कोई वार्ड बॉय है या क्रिकेट प्लेयर है। ये कौन है, क्यों है, आप ही बताएंगे? ये सच है कि ये पुतला मैंने ही बनवाया था मुकाबो से। ये
मेरे क्रिकेट टीम कैप्टन दिनेश रावत का है। नेक्स्ट मंथ रणजी ट्रॉफी मैच होने वाला था और मुझे अंदर से पता चला कि सेलेक्टर्स मुझ में या दिनेश में से किसी एक को सेलेक्ट करने वाले हैं। समझ गया मैं। आपको भय था कि आपको ना चुनकर दिनेश जी को कप्तान चुन लिया जाएगा तो आपने उनका पुतला बनवा कर उन्हें घायल करने का प्रयास किया ताकि वो इस चुनाव से ही वंचित हो जाए। सर मैं डेस्परेट हो गया था अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। सुना है कि कुछ समय पहले ही आपके काका जी की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु भी ऐसी बातों से घिरी हुई थी। वुडू शुडू, ये अद्भुत बात है कि ऐसा होने के बाद आप स्वयं वुडू में विश्वास करते हैं। सर मुझे सीरियसली लगा कि काका की मौत मुकाबो के वुडू से हुई थी। सर मेरा भी विश्वास उसमें जागा। एक मिनट समझने का प्रयास करता हूँ। आपके काका जी की हत्या जब हुई तो वुडू शुडू का जिक्र हुआ और आपको लगा कि आपके काका जी की हत्या मुगाबो ने की है और आपने अपने काका जी के हत्यारे पर ही विश्वास किया। ये कहना चाह रहे हैं आप? अरे सर ये किरण विरन को छोड़िए। ये है असली गुनाहगार मेरा गुरु मार्केश। इसी ने मुझे फंसाया होगा, इसको पकड़िए। मिस्टर मुगाबो, बिना सबूत के आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। योर ऑनर, मैं मार्केश जी को कटघरे में बुलाकर उनसे चंद प्रश्न करना चाहूंगा, आपकी अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मार्केश महाराज जी, आपने मुझसे कहा था कि ये जो वुडू के प्रति मेरा अविश्वास है उसका उत्तर आप अदालत में देंगे। हाँ बच्चा, मैंने कहा था और आज मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि वुडू एक कल्पना नहीं, एक वास्तविकता है। वास्तविकता। अच्छा मतलब ये भी वास्तविकता है कि मुगैबो जी ने भी वुडू की सहायता से ही खून किए? अरे ये पाखंडी, वुडू को क्या जाने? वुडू को केवल मैं जानता हूँ, केवल मैं। और आज मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। कैसे साबित? पाठक साहब, आप लगते हैं वकील के वस्त्र में है पुतला, आप भी हो सकते हैं। मार्केश जी, बंद करिए ये ड्रामेबाजी, यह अदालत में नहीं चलेगा। योर ऑनर, मैं अनुरोध करता हूँ अदालत से कि मार्केश महाराज को अवसर दिया जाए ताकि हमें पता चले कि ये वुडू अंततः है क्या, इस पर से पर्दा हटे। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद योर ऑनर। हाँ तो मार्केश महाराज जी, शुरू करें। अच्छा बच्चा, शुरू करता हूँ मैं और दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या हो रहा है? उड़ू। योर ऑनर, मैंने बोला था ये ऐसा होता है। हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना? उड़ू। अभी तो ये शुरुआत है। अलग निरंजन, सॉरी। उड़ू। और अब सर दर्द। अलग निरंजन, प्लीज बंद कीजिए ये। शुरुआत आपने की, इसका अंत मैं करूंगा। फीलिंग बेटर। Oh,
क्या लग रहा है आपको कि मेरा सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरेगा, ऐसा कुछ सोच रहे थे आप? आपके विचार अनुसार आज कुछ नहीं होने वाला जयसवाल साहब। फिर वो सर दर्द, वो पीठ दर्द? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं केवल महामार्केश महाराज जी के साथ इनके अभिनय की कला के साथ कदम मिलाए चल रहा था ये देखने के लिए कि अंततः ये वुडू होता क्या है, क्या हुआ आपके वुडू का। लेकिन बच्चा, तुझ पर मेरे वुडू का सर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ वुडू का सर? सर्वप्रथम तो ये कारण हो सकता है कि आप बच्चा बच्चा बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा मैं नहीं, वो पिछड़ा है। दूसरी बात यह है कि वुडू का तो पता नहीं, लेकिन हिप्नोटिज्म जो आप करते हैं, सम्मोहन, उसके विरुद्ध लड़ना मुझे आता है। कैसा हिप्नोटिज्म? योर ऑनर, यही है इनका सत्य। ये कोई वुडू विशेषज्ञ नहीं, तांत्रिक नहीं, कुछ भी नहीं। ये केवल लोगों को सम्मोहित करके अपने वश में लेते हैं और उन्हें ये आभास दिलाते हैं कि जो ये उनके पुतले के साथ कर रहे हैं वही असर उन पर हो रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ महाराज मार्केश जी? चामुंडाए नमः। पाठक साहब। हाँ जी। ये हिप्नोटिज्म वगैरह का आपको कैसे पता चला? वो क्या है जसवाल साहब, जिस समय आप वुडू की पुस्तकें पढ़ रहे थे, मैं हिप्नोसिस पर पुस्तकें पढ़ रहा था और उसमें से मैंने पाया कि अगर हिप्नोसिस करने की क्रिया है तो हिप्नोसिस से बचने की भी क्रिया है। दुर्भाग्यवश इनकी आंखों के तेज से इनके वक्त मुगाबो तो नहीं बच पाए, लेकिन मैं बच गया। अब महामहाराज मार्केश, आपके वुडू का जो सर है वो धड़ से अलग हो चुका है। बता दीजिए अदालत को कृपया कि क्या है ये मामला। हाँ जज साहब, केडी पाठक सही कह रहे हैं, मैं तो एक हिप्नोटिस्ट हूं और जब मैं वुडू के बारे में नहीं जानता तो इसकी क्या औकात है। ये भी ढोंगी है जज साहब, ढोंगी है ये भी। रोनर, वुडू वुडू ना सही, लेकिन कोई ना कोई जादू जरूर है। देखिए ना, तीन मौत होने के तीन दिन पहले तीन पुतले मिलते हैं और भविष्यवाणी भी सच होती है। बॉल से हत्या, सांप काटने की वजह से मौत और दिल का दौरा। ये कैसे? अरे इसी से पूछे, यही है ना वुडू का महाज्ञानी। कहता हूँ इसी ने मुझे फंसाया है जज साहब, इसी ने फंसाया है मुझे। मिस्टर जायसवाल, मिस्टर मुगाबो, ये केस उन लोगों की हत्याओं का नहीं है, ये केस है मेघा सिंह की हत्या का। योर ऑनर, आपको रुकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो तीन मौत मेघा राय की हत्या से जुड़ी हुई है। इस सुनवाई में तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया, तो मुझे विश्वास है कि अदालत की अगली सुनवाई तक इस बात को मैं स्पष्ट कर लूंगा। गिरी से ये केस सॉल्व हो या ना हो, आपने मेरी लाइफ का टेंशन जरूर सॉल्व कर दिया। ये वुडू शुडू कुछ होता ही नहीं है, इट्स ऑल हिप्नोसिस। मैं भी पूरी लाइफ किस बेवकूफी का शिकार था, माना पड़ेगा यू आर अ जीनियस। लेकिन ये डॉल मुझे भेजी किसने? केडी सर, क्या देख रहे हैं? मैं मेघा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहा था। डॉक्टर आलोक खोसला, पीएमजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तैयार की गई है। मेघा के पहले जो तीन मौत हुई थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन से हॉस्पिटल में तैयार की गई थी? सब उसी सरकारी हॉस्पिटल से। अच्छा, तुझे विचित्र नहीं लगा कि चार मौत हुई और चारों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ही अस्पताल? सब दवे बता रहा था कि सबर्ब्स में जितने भी पुलिस केसेस होते हैं वो सारे केसेस यही सरकारी हॉस्पिटल देखता है। अच्छा, जी बीएमजी हॉस्पिटल, कुछ जानकारी चाहिए थी मुझे। योर ऑनर, ये डॉक्टर आलोक खोसला हैं, बीएमजी हॉस्पिटल में अपना कार्य करते हैं। इन्हें यहाँ कटघरे में बुलाने का एक विशेष कारण है। मिसेस मेघा सिंह की हत्या हुई उससे पहले जो तीन मौत हुई थी, तीनों समय यही गए थे चिकित्सा करने। तो जब मिस्टर करकनिस सर
पर क्रिकेट बॉल से चोट लगी और तुरंत वहीं स्वर्ग सिधार गए। आपको पुलिस ने बुलाया था वहाँ। क्षमा चाहता हूँ, पुलिस ने बीएमजी अस्पताल फोन किया और बीएमजी अस्पताल ने बतौर प्रतिनिधि आपको वहाँ भेजा। जी हाँ। द्वितीय बार जब बोरीवली के जंगलों में मिस्टर विनोद सिंह को पैरों पर सांप काट गया, तभी भी बीएमजी अस्पताल ने आप ही को प्रतिनिधि बनाकर चिकित्सा के लिए भेजा। जी हाँ। और तृतीय बार जब मिसेस खोसला का देहांत हुआ दिल का दौरा पड़ने के कारण, स्पष्ट है कि आपको वहाँ होना चाहिए था क्योंकि आपकी चाची है। विचित्र नहीं लगता आपको कि तीन मौत तीनों घटनास्थलों पे आपकी उपस्थिति? कोई कनेक्शन होगा? इसमें कहने वाली क्या बात है, मैं तो मेरा काम कर रहा था। आपने अपना काम किया या किसी का काम तमाम किया? एक मिनट पाठक साहब, आप कहना क्या चाहते हैं कि डॉक्टर आलोक ने ही बॉल मारकर हत्या की और डॉक्टर आलोक ने ही सांप बनकर विनोद जी को डसा? मिस्टर केडी जी, मिस्टर करखनीज और मिस्टर विनोद की मौत मेरे आने से पहले हुई थी। मैंने तो सिर्फ उन्हें मरा घोषित किया था एक सरकारी डॉक्टर की हैसियत से और फिर उनके डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बस। ये तो मानना पड़ेगा कि मिस्टर करकनेस और मिस्टर विनोद सिंह की मृत्यु जो है वो अकस्मात हुई। हो सकता है कि हादसा थी। प्रश्न ये है डॉक्टर खोसला की, क्या आपकी चाची मिसेस खोसला, क्या उनकी मृत्यु भी एक हादसा थी या हत्या? ये क्या कह रहे हैं आप, मेरे चाची का मर्डर? हाँ। किसने किया? आपने। What nonsense? नहीं, nonsense नहीं। पाठक साहब हैं। पाठक साहब कभी nonsense नहीं बोलते। उनकी हर बात के पीछे कोई sense होता है ना पाठक साहब? बताइए ना, कैसे इस थियरी तक पहुंचे आप प्लीज? जसवाल साहब, बहुत ही सोच विचार करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं। तो फिर ये कैसे हुआ? वो क्रिकेट बॉल, वो सांप और वो दो तीन वुडू डॉल्स मिली, उनके बारे में भी तो आपने काफी विचार किया होगा। किया ना। हाँ तो बताइए ना, विस्तार में समझाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप समझेंगे नहीं। कुछ ऐसा हुआ था योर ऑनर, सबसे पहले डॉक्टर आलोक खोसला ने अपनी चाची को मारने की मंशा बनाई, किंतु ये अपने इस निर्णय को एक अलग रूप एक अलग रंग देना चाहते थे, इसीलिए अनेक भेष बदल कर इन्होंने मेरे मोकिल मुकाबों से अनेक पुतले हासिल किए ताकि मुकाबों को इन पर शक न हो। और फिर डॉक्टर आलोक ने दो पुतलों को दो अलग अलग बक्सों में डालकर उन पर अपने ही पते का लेबल लिखाकर पोस्ट ऑफिस से अपने ही घर भिजवाया यार, ताकि पोस्ट ऑफिस का मार्क और उस दिन की तारीख उन पर लग जाए। और फिर योर ऑनर, डॉक्टर आलोक शहर में विचित्र कारण से होने वाली मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे और हुई योर ऑनर। सबसे पहले मिस्टर करकनीस की मृत्यु, सर में क्रिकेट बॉल लगने से हॉस्पिटल की ओर से इन्हें वहां भेजा गया और इन्होंने चुपके से मिस्टर करकनीस की मृत शरीर पर से उनके घर की चाबियां चुराई। और फिर योर ऑनर, मिस्टर करकनीस की चाबियों का उपयोग करके ये उनके घर में दाखिल हुए और जो पुतला इन्होंने पहले से खरीद कर रखा था उस डिब्बे में जिस पर पहले से पोस्टमार्क लगा हुआ था, चुपके से वहां जाकर इन्होंने मिस्टर करकनीस के घर में छोड़ दिया। द्वितीय बार योर ऑनर, मिस्टर विनोद सिंह की मृत्यु के समय भी डॉक्टर खोसला ने यही नीति अपनाई। और तीसरी बार? तीसरी बार तो आपके लिए डॉक्टर खोसला और भी आसान था। जो पुतला आपके पास पड़ा हुआ था, जो आपने मेरे मुवक्किल से हासिल किया था, उसे अपनी चाची का रूप दिया, वहाँ एक दिल चिपका दिया और अपनी चाची को पोस्ट कर दिया। इनकी चाची को तो दिल का दौरा पड़ा था, तो ये दिल का दौरा कैसे पड़ा? अरे गुड क्वेश्चन मिस्टर जयसवाल। योर ऑनर, दिल का दौरा पड़ा नहीं था, डाला गया। डॉक्टर आलोक खोसला एक डॉक्टर हैं, तो ये भली भांति जानते थे कि कौन सी दवा देने से दिल की धड़कन रुक जाती है और फिर वो दवा कुछ इस प्रकार से रक्त में घुल जाती है कि पोस्टमार्टम से उसे खोजा नहीं जा सकता।
डॉक्टर खोसला, क्या नाम था उस ड्रग का, उस दवा का? डॉक्टर है, मुझसे बेहतर जानते हैं, बट आई थिंक इट वॉज प्रोपिटेन। Am I right? यही था योर ऑनर, मिसेस खोसला की हत्या का षड्यंत्र, इनका रचा हुआ। एक हत्या को दो विचित्र मौत के साथ मिलाना, उसे एक शंकलिक हत्या का रूप देना और उसका आरोप मेरे मुवक्किल मुकाबू पर लगाना, ताकि कोई इन पर संदेह ना करे, कोई इन तक ना पहुंचे। ये आइडिया तो आपकी अच्छी है, लेकिन ये आप साबित कैसे करेंगे कि ये मैंने सब कुछ किया? ये उचित प्रश्न है आपका। साबित कैसे करूं? लिखित में साबित करूं? नहीं, डॉक्टर आलोक खोसला, मेरे सहायक को जानते हैं आप? हाँ। क्या नाम है उनका? वरुण जवेरी। नहीं सॉरी, सुना नहीं। वरुण जवेरी। ठीक से बोलिए ना जरा न्यायाधीश। वरुण जवेरी। वरुण जवेरी। जवेरी, जरा लिखेंगे यहाँ पर उनका नाम। खोसला, ये तो गलत नाम लिखा है आपने। क्या नाम था उनका फिर से? वरुण जवेरी। आपने तो यहाँ वरुण जवेरी लिखा। योर ऑनर, वरुण को जो पार्सल मिला उस पर भी वरुण का नाम जवेरी नहीं जवेरी लिखा गया था, मिस स्पेलिंग। और आपके इस लिखावट को देखकर लगता है कि जो लिखावट उन डब्बों पर थी, जिनके अंदर वो पुतले थे, जो इन सारे लोगों को जिनकी मृत्यु हुई उन्हें भेजे गए थे, वो लिखावट भी हूबहू ऐसी ही है। ये कैसे हो सकता है? वो चार बक्सों में तो हाथों की लिखावट थी नहीं, कंप्यूटर टाइपिंग थी। अरे हाँ, चौथे डिब्बे पर भी जो वरुण को मिला था उस पर भी तो कंप्यूटर से ही लिखा। लगता है मिस्टर केडी काफी जोश में है। हाँ, ज्यादा जोश में आ गया डॉक्टर खोसला। तो मेरे ज्यादा जोश में आने का कारण ये है कि आप अपना होश खो बैठे हैं। एक सरल सा प्रश्न करूंगा आपसे। चलिए मान लेते हैं कि जो तीन डिब्बे पहले भेजे गए थे उन पर कंप्यूटर से लिखावट की गई थी, ये आप जान सकते हैं, ये बात का ज्ञान आपको हो सकता है क्योंकि उनका कवर यहाँ कोर्ट में रखा गया है। किंतु जो चौथा डिब्बा वरुण को भेजा गया था उसका कवर तो यहाँ अदालत में है नहीं, फिर आपको ये बात कैसे ज्ञात हुई कि उस पर हाथों से लिखावट नहीं है, कंप्यूटर से ही लिखावट की गई है? कैसे बताइए आप। मैं बताता हूँ ना, क्योंकि आपने देखा था वो डिब्बा, पोस्ट होने से पहले वो डिब्बा आपके पास ही था, क्योंकि वो डिब्बा पार्सल आप ही ने बनाया था और अपने ही कंप्यूटर से आपने वो लिखावट लिखकर उस पे पेस्ट भी किया था और उसके पश्चात आपने वरुण को पोस्ट किया था। कन्फेशन इकबाल जून। हाँ, मैंने वरुण को पार्सल भेजा और वो टोल भी भेजा आपको डराने के लिए। हाँ, मैंने सब कुछ किया क्योंकि मेरी चाची के पास बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, और उनके बाद नहीं एक अकेला वारिस था। और मैंने ही मेगा को मारा, क्योंकि जब मुझे मालूम पड़ा कि मुगाबो बरी हो गया है तो मुझे डर लगने लगा। मुझे लगने लगा कि कहीं आप और पुलिस सुराग ढूंढते ढूंढते मुझ तक न पहुंच जाए, इसलिए मैंने मेगा को भी मार डाला मुगाबू को फंसाने के लिए, ताकि ये केस यहीं खत्म हो जाए। अब डॉक्टर खोसला, अब जेल में तो कंप्यूटर मिलेगा नहीं, कुछ लिखना है तो इसी कलम से लिख लीजिएगा। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मिस्टर आलोक खोसला को मिसेस निर्मला खोसला और मिस मेगा सिंह के हत्या में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर मगैबो को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज फाइनली क्लोज्ड।
फड़क साहब, मानना पड़ेगा ये ब्लैक मैजिक से भी ज्यादा पावरफुल मैजिक तो आपका चलता है इस कोर्ट में, क्या बात है। लेकिन एक कंप्लेन है। क्या सर? जब आप पे ये हिप्नोटिज्म का असर नहीं हो रहा था, वुडू का भी कोई असर नहीं हो रहा था, फिर भी आपने मुझे चाटा मारा। मैंने? वेरी बैड। आपको थप्पड़ मारा? हाँ। जसवंत साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको थप्पड़ मार ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मारा आपने? सबके सामने आपने मुझे चाटा मारा। हो सकता है उस समय मुझ पर हिप्नोटिज्म का असर हो रहा हो, वुडू का असर हो रहा हो। एक मिनट, इसका मतलब कि वुडू है? वुडू है? वुडू है? वुडू है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.